नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। सबसे पहले माफ़ कीजिएगा, पिछले हफ्ते मैं वीडियो नहीं बना पाई। कारण उसका यह है, जो हमें फेसबुक में जानते हैं वो देखेंगे कि मेरे लड़के का जन्मदिन था 16वां, तो हम थोड़ा क्रूज़ में गए थे। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं अपनी मदर और मदर इन लॉ दोनों को क्रूज़ का के दर्शन दिखाऊँ और एक्सपीरियंस कराऊँ, तो एक छोटा ट्रिप टैस्मेनिया तक का मिल गया था। लकी थे हम लोग, तो एग्जैक्टली उसी टाइम जब मेरे लड़के का बर्थडे था। अच्छा, लड़के को खास इंटरेस्ट नहीं था पार्टी शार्टी में, तो फिर क्यों नहीं, तो क्रूज़ में गए थे। क्रूज़ इज़ ऑलवेज़ वेरी फन औरतों के लिए, तो खास करके मैं हमेशा सबको कहती हूँ कि जो नहीं गए क्रूज़ में वो प्लीज़ जाएँ, क्योंकि औरतों के लिए जो अभी भी ग्लोरीफाइड मेड्स हैं घर की, उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बिस्तर तक आपको नहीं बनाना पड़ता। खाना तो बहुत दूर की बात है, बिस्तर भी कोई और आपके लिए बनाता है। सब चीज़ एकदम अपने आप होती है, आप सिर्फ ऐश करते हो। वन ऑफ द बेस्ट वेकेशंस दैट अ वुमन कैन हैव, तो ज़रूर जाएं जो लोग नहीं गए हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो पिछले हफ्ते इसलिए मैंने अपलोड नहीं किया था, तो सॉरी फॉर दैट। इस हफ्ते मुझे लेट हो गया, क्योंकि अगेन आने के बाद कुछ ऑफिस के कामों में व्यस्त हो गई, तो कल नहीं बना पाई, इसलिए एक दिन लेट आ रहा है। लेकिन अगले हफ्ते से वापस से ट्रैक पे आ जाऊंगी, ये तो निश्चित है। एनीवेज, आप देख रहे होंगे मैं सीढ़ी पे बना रही हूँ अपना वीडियो, सीढ़ियों पे। कारण ये है कि शनिवार है, फ्राइडे का तो मैं मिस कर चुकी हूँ वीडियो, पर शनिवार को बना रही हूँ मॉर्निंग में, और अभी घर के सभी सदस्य सो रहे हैं, तो जो रूम है, जो मेरा ओरिजिनल पॉइंट है, वो सब ऑक्यूपाइड है। तो फिर मैंने सोचा सीढ़ी पे बनाती हूँ, और मुझे इसके एस्थेटिक्स बड़े अच्छे लग रहे हैं। दो सीढ़ियाँ मैंने देखे, फूल गुलदस्ता मार चीज़ें कुछ रख दी हैं, यहाँ मेरा कॉफ़ी का मग है देखिए। एनीवेज, तो आज हम किस बारे में बात करेंगे? मैंने कुछ रिसेंटली हुआ जिसकी वजह से मेरे दिमाग में सुकून शब्द पे बात करने की इच्छा उठी। बताती हूँ हुआ क्या। तो हमारे ऑफिस में एक नए बंदे ने ज्वाइन किया है, तो ऐसी कुछ बात हो रही थी, तो पता चला कि वो इससे पहले एडिलेड में थे, उससे पहले वो मेलबर्न में थे, तो काफी टाइम से ऑस्ट्रेलिया में, ऐसा नहीं कि नई एंट्री है ऑस्ट्रेलिया में। सुनकर आश्चर्य ये हुआ कि एडिलेड में उनका फुली पेड हाउस था, मियां बीवी दोनों अच्छी कंपनी में काम कर रहे थे, और लड़की 18 साल की हो गई थी, पढ़ाई भी उसकी चल रही थी बिंदास, और वो चाहती तो अगर उसको जहाँ भी जाना था उसके लिए दुनिया थी, चाहे वो सिडनी आती पढ़ने, मेलबर्न जाती, कि जहाँ भी जो भी करना था, चाहे वो यूएस जाती। और वो सडनली उन्होंने डिसाइड किया कि भाई कुछ शांति ज्यादा है, और वो उठकर सिडनी आ गए पूरी फैमिली को लेके। वो मकान उन्होंने किराए पर उठा दिया, वो यहाँ आके उन्होंने नया मकान ले लिया। अच्छा, नया मकान वही 1 समथिंग का जो भी लिया, जितने का भी लिया, और जिस जद्दोजहद से वो बाहर आ चुके थे उस जद्दोजहद में वापस कुछ घुस गए, यानी वही मॉर्गेज शुरू हो गया। एक अजीब सी जिंदगी की भाग दौड़ शुरू हो गई, क्योंकि आप सिडनी में हो पधारिए, आप सिडनी में हैं, और वही ट्रेनों में चलना, भीड़ में उठना बैठना, घचर पचर शुरू। तो मैं उससे बात कर रही थी, तो मुझे लगा कि भैया क्या हुआ भाई, कैसे अचानक तुमने ऐसा कैसे सोचा ये करने का, क्यों सोचा, मतलब आदमी ऐसे कैसे सोच सकता है, इतनी सुकून की जिंदगी थी तुम्हारी वहां, क्यों यहाँ आ गए। तो कहने लगा कि भाई अब वही है ना, वहीं से शब्द होता है कि सुकून सबके लिए अलग होता है, हमारे लिए कुछ है, किसी और के लिए कुछ और। तो उसके लिए सुकून कुछ ज्यादा डेड हो गया था, उसको ऐसा लगने लगा कि ये क्या है यार, लाइफ में कोई चाम ही नहीं रहा, कोई एक्साइटमेंट ही नहीं रहा, सारे एडवेंचर्स खत्म हो गए इतनी अर्ली एज में। तो उसने सोचा ये तो भाई गड़बड़ है, उठो कुछ खलबली मचाओगे जिंदगी में, इसलिए वो उठ के यहाँ आ गया। और फिर बच्चे के लिए अपॉर्चुनिटीज, अब हिंदुस्तानी पेरेंट्स को अगर आप देखें, या बाकी लोग भी करते ही होंगे, पर हिंदुस्तानी पेरेंट्स का कैसा है कि अगर बच्चे की पढ़ाई कहीं दूर है तो बहुत करके वहाँ वो लोग मकान ले लेते हैं, कई बार वहीं जाके माँ वहाँ रहने लगती, पिता यहाँ रहते हैं, ऐसे डिवाइडेड, बड़ा मतलब बच्चों का बड़ा उनका कार्यक्रम चलता है। तो बच्चे को अपॉर्चुनिटीज देनी है सिडनी में, तो बच्चे को नहीं भेजना है, बच्चा तो उनके साथ ही, वो खुद पूरे के पूरे उठ के इधर आ गए।
तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। अच्छा, उम्र में हमारे और उसमें करीब 10 साल का फर्क है, करीब, थोड़ा कम 10 से, लेकिन 10 ही साल समझिए। तो मुझे महसूस हुआ कि हो सकता है कि जो सुकून शब्द, सुकून के नाम पे जो मुझे महसूस होता है और जो मुझे करने की इच्छा होती है, वो शायद सबको नहीं होती, और शायद उम्र से ही, उम्र के साथ सुकून का मतलब भी लोगों के लिए बदलता रहता है। तो कोई भी चीज़ एक सी नहीं रहती कभी भी। तो मैं अपने बारे में सोचती हूँ, खुद चेंजेस, जो मुझे पहले कैसा था, लगता था ऐसे नहीं हो पाएगा, और अब कैसा है। तो मैंने सोचा चलिए इसी बारे में आप लोगों को बताऊं, और ये चीज़ बताऊं कि अगर आप अपने आप में कुछ चेंजेस महसूस करें तो चिंता नको, इट्स ऑल गुड। तो मैं अपनी बात करती हूँ। जब मैं यूनिवर्सिटी से निकली थी और जब ऑफिस मैंने ज्वाइन किया, तो मेरा कैसा था कि मैं ऑफकोर्स इंडिया में थी, तो बिंदी लगाती थी, शादी के बाद की बात भी करूँ, पहले की भी करूँ तो बिंदी भी लगाती थी और लिपस्टिक भी लगाती थी। बिना लिपस्टिक के मैं ऑफिस जाती नहीं थी। एक स्टाइल था मेरा सजने का, मैं सज कर कायदे से ही ऑफिस जाती थी, और मुझे ऐसा लगता था कि बिना इनके तो अच्छे कैसे लगे। अच्छा लगना मतलब लिपस्टिक लग जाना, काजल लग जाना, बिंदी लग जानी, ये सब। जब ऑस्ट्रेलिया आई तो लिपस्टिक साथ में, बिंदी तो ऑफकोर्स हट गई क्योंकि आप वेस्टर्न क्लोथ्स में आ गए, लेकिन लिपस्टिक फिर भी चलती रही, लिपस्टिक काजल चलता रहा। एक बंदी थी हमारे ऑफिस में, मतलब वो शायद रही होगी अराउंड 60 years old, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ना, जैसे ढिंचैक रहती थी एकदम, लिपस्टिक काजल हाथ में, बड़े बड़े नाखून, और एकदम बाल भी एकदम कलर्ड, और बड़ा मतलब भयंकर एकदम, उसको आप जिसको कहते हैं ना हम लोग किसी बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, उस टाइप का लुक था उसका, कि वो अपनी एज अप्रोप्रिएट ड्रेस नहीं लगती थी। तो जब मैं उसको देखती थी ना, तो मुझे लगता था कि हे भगवान, कहीं ऐसा ना हो कि 60 में मैं भी ऐसी दिखने लगूं, क्योंकि मैं भी ये मेरा नाखून नाखून सब करवाती थी और सब था कार्यक्रम। मगर जैसे जैसे वक्त बीता तो मेरी लिपस्टिक छूट गई। पता नहीं, अभी अगर आप देखें, चाहे शादी हो, ब्याह हो, कोई भी ओकेजन हो, मैं ऐसी ही दिखती हूं। कोई मेकअप नहीं करती हूं, कभी करती ही नहीं हूं। तो मेरी लिपस्टिक तो दूर की बात है, लिपस्टिक तो इज लाइक एक्स्ट्रा, बहुत ही ज्यादा लिपस्टिक तो छोड़े हो मुझे, आई थिंक 15 साल तो मिनिमम हो गए होंगे, मैंने लिपस्टिक लगाई ही नहीं है और ना मैं लगाती हूँ। इंक्लूडेड इसमें मेरे भांजे की शादी भी हुई थी, मैंने लिपस्टिक नहीं यूज़ की थी, लिपस्टिक लगाती ही नहीं हूँ, सिर्फ वैसलीन। तो लिपस्टिक छूट गई अपने आप, कोई ऐसा नहीं, पता नहीं, बस धीरे धीरे लगा कि इसकी ज़रूरत नहीं है, इसके बगैर ही ठीक है। फिर नेल्स बनवाते थे, बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल नेल्स लगाते थे और नेल पॉलिश और ये सब बहुत था मेरा, ये भी सडनली खत्म हो गया। आप देखिए मेरे हाथ, कोई नेल पॉलिश नहीं, कुछ नहीं, और ये भी सालों से ऐसा है, नेल पॉलिश भी मैं नहीं लगाती हूँ, ना नेल पॉलिश लगाती हूँ, ना नकली नेल्स लगाती हूँ, अरसा हो गया। हाँ, इक्का दुक्का बीच में कभी कभार हो जाता है, जो अगर मेरी डॉटर इंसिस्ट करती है, कह रही यार माँ स्पेशल ओकेजन है, करवा लो ना नेल्स, करवा लो ना, तो कभी कभार करवा लेती हूँ, बट वो भारी पड़ते हैं, वो जो दिन, जितने दिन लास्ट करते हैं, काफ़ी भारी पड़ता है मुझे, तो बदल गया। अब जैसे मेरा सोचना है, मेरे लिए सुकून, जो जिस स्थिति में वो बंदा था, मैं अगर उस स्थिति में हूं, तो मुझे लगे सुकून है कि यार कोई टेंशन नहीं है, मॉर्गेज कर चुके हैं, अपना तनख्वाह आती है वो पॉकेट मनी जैसी है, खर्चा यहाँ ग्रोसरी का कितना होता है थोड़ा बहुत, तो बाकी अब आराम से जियो, और अच्छी छुट्टियां हर साल, अच्छी छुट्टी पे जाओ, कभी यूरोप जाओ, कभी कहीं जाओ, क्रूजेस करो, ये सब करो, पैसे का यूटिलाइजेशन आप पैसे करो, मुझे ऐसा लगता। अब देखिए मेरा सुकून का डेफिनेशन ही अलग है। मैं किसी से ऑफिस में अपनी एक फ्रेंड से भी बात कर रही थी, इस बारे में डिस्कस कर रही थी, हमने कहा कि मुझे ऐसी इच्छा काफ़ी टाइम से है, ऐसी इच्छा होती कि डाउनसाइज हो जाए, घर छोटा हो, सामान कम हो, थोड़ा आराम की ज़िंदगी, थोड़ा कहीं ऐसी जगह जहाँ शांति हो, सेल्फ सफिशेंट हो तो बहुत अच्छा है, बिजली पानी बत्ती किसी की टेंशन नहीं, सब भगवान के हिसाब से, सोलर लगाया हुआ है, पानी ड्रिल है, सब कुछ खुद का है, तो कमाने का टेंशन नहीं हो, खेती बाड़ी भी खुद ही कर लें, इतना उगा लें कि खुद ही खा लें, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। ये मैंने उसको बोला, मैंने कहा नहीं, शांति नहीं हो जाएगी, तो कहती है
शायद आपके लिए मुझे नहीं शांति होगी, मुझे परेशानी हो जाएगी कि हम कहाँ अकेले धकेले पड़े हुए हैं। फिर वही हर चीज में ऐसी चीज लगती है कि देखिए मेरे दो बच्चे हैं वो बड़े हो गए हैं, लेकिन अभी जब मैं देखती हूँ, अब जैसे हमारे ऑफिस में सब जो मैनेजर्स हैं, सीनियर मैनेजर्स, सब औरतें हैं, सब यंग हैं और सब धीरे धीरे प्रेग्नेंट हो रही हैं, दे आर यंग मम्स, मम्स और शादियां हो रही हैं, सबका मतलब वो साइकिल चल रहा है। तो कई बार मीटिंग्स में जो इम्पोर्टेंट मीटिंग्स होती हैं वो भी एंड होती हैं बच्चों की बातों से, कह रहे आपके बच्चे ने ऐसा है, मेरा बच्चा ये कर रहा है, मेरा बच्चा वो कर रहा है, कल ऐसा किया उसने, कल वैसा किया, ये बातें होती हैं अंत में। तो मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है मुझे बच्चों से बहुत प्यार है, माइंड यू मेरे बच्चों से तो बहुत ही, अब सभी बच्चों से प्यार है, लेकिन जब उनकी उनका जिस स्टेज पे वो लोग हैं वो देखती हूँ तो लगता है भगवान कितनी लंबी जिंदगी अभी बाकी है, बाप रे अभी तो इन लोगों का प्रेप भी नहीं शुरू हुआ। अगेन कि मेरा सोचना है क्योंकि मैं वो सब कर चुकी हूँ तो मुझे लगता है भारी जैसा कि हे भगवान ये लोग कैसे क्या करेंगे, बट अगेन उनके लिए भी वही एक्साइटिंग है। तो भगवान ये जो मास्लोज हायरार्की का जो ट्रायंगल है ना, वो मुझे ऐसा लगता है कि ये जीवन के आम उसमें भी है और इसके लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जीना है। अपने आप स्टेजेस बदलते जाते हैं और आपकी प्रायोरिटीज बदलती जाती हैं और आपका सुकून का डेफिनेशन बदलता जाता है और आप खुद अपने आप में भी इतने सारे बदलाव महसूस करते हो। हाँ वही कहते हैं ना कि जो एक्सपीरियंस आपको जी कर मिलता है वो किसी और के उससे नहीं मिल सकता। तो अगर मैं आज बोलूँ उन लोगों को कि यार बच्चे ना भैया बड़ा भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उन्हें नहीं समझ में आएगा, वो तभी समझ में आएगा जब वो उस दौर से गुजरेंगे। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं और जो उसमें जीवन तो सबसे बड़ा है कि जो आपको खुद को ही जीना है, हर पल उसका, हर चीज़ को एक्सपीरियंस करना है हर व्यक्ति को, तभी वो उस जगह पहुंचेगा कि उसको इन चीज़ों के मायने पता चलेंगे या वो ये समझेगा कि उसके लिए इनके क्या मायने हैं, इन शब्दों के, सुकून, राहत, रिलैक्स, रिटायर्ड, ऑल सॉर्ट्स ऑफ वर्ड्स। तो इस वीडियो का मकसद क्या है कि हम पहली चीज़ तो अपनी चीज़ किसी और पे थोप नहीं सकते। हमारा नज़रिया किसी चीज़ में किसी बारे में कुछ हो तो ज़रूरी नहीं कि सामने वाला कभी वही हो। तो जो जिस स्थिति में है उस स्थिति में वो अपना इंजॉय करे और हम जिस स्थिति में हम उसे करें। जिस दौर में जरूरी नहीं कि अगर मैंने ये सब छोड़ दिया लगाना उम्र के साथ तो जरूरी नहीं सामने वाला भी करे। तो वो जो बंदी थी जिसकी मैं बात कर रही थी कि वो बड़ा सरी धजी रहती थी, तो वो अपने दौर में है, वो उसका दौर है, वो उस हिसाब से, वो उसके हो सकता है जब वो और यंग रही हो तो और रंगी पुती रहती हो तो उसके हिसाब से उसने काफी चेंजेस लिए होंगे। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जो चीज वो बचपन में नहीं कर पाई वो आगे जाके कर रही है ना, सबका अलग होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस दौर में जो जहां है वो उस दौर को एंजॉय करे, ये ना सोचे कि हाय वो ऐसा कैसे कर रहे हैं, ये ऐसा कैसे कर रही है, कि हाय मैं ऐसा क्यों कर रही हूं, मैं ये क्यों नहीं कर पा रही हूं ना। जिसके दौर में जो चल रहा है वो करे, क्योंकि हमें करना ही वही है। इसमें संतोष भी रहता है, मुझे तो रहता है कि कुछ भी हो रहा है, जो भी मैं कर रही हूं आज, यही मुझे आज करना था, जैसे आपके लिए वीडियो बनाना पता नहीं क्या बोला, हो सकता है कुछ सेंस बना हो। अगर जरा भी अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने अराउंड 236 या 237 वीडियोस बना दिए हैं, हर हफ्ते, कभी मिस नहीं करती हूँ, ये इक्का दुक्का ओकेजन छोड़कर। तो उचित लगे तो प्लीज शेयर करें लोगों से, अपने दोस्तों के साथ, हिंदुस्तान में खास करके। बाकी सब ठीक है, जीवन जिए, खुश रहें सब। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें। सिया, बाय बाय।